भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण माह को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में चल रही हैं। ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर शंकराचार्य चौक पर, और यहां की तैयारियों को हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जर्मन हैंगर लगाया गया है जिसकी मदद से श्रद्धालुओं को छाव मिल सके, धूप से राहत मिले। इसके अलावा जिगजैग लाइन के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे। ज़्यादा भीड़ ना हो और धक्का मुक्की ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान दिया गया, इसलिए जिगजैग लाइन के माध्यम से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे। इसके अलावा उनके पानी पीने की व्यवस्था हो, शौचालय हो या अन्य आवश्यक सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं, उसका खास तौर पर ध्यान दिया गया है। और सावन माह में तकरीबन करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचेंगे। निश्चित तौर पर इस प्रवेश द्वार के अलावा अन्य प्रवेश द्वार से श्रद्धालु मंदिर परिसर में जाएंगे। ये देखिए, ये गर्भगृह की तस्वीर सीधे है आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से ही गंगा द्वार होते हुए श्रद्धालु अंदर जाएंगे। कांवड़ियों के लिए भी जो निर्धारित रूट है वहाँ से ही प्रवेश होगा। चलिए, कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं मैडम, कहाँ से आएंगे आप? गुजरात से। बाबा का पहली बार दर्शन कर रहे हैं जिससे पहले भी? पहली बार। इतना अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया, पूरे परिवार के साथ आए हैं? पूरा परिवार के साथ। बाबा आप भी बात कर लीजिए, कहाँ से हैं? अभी गुजरात से आया। गुजरात से आया। बाबा का पहली बार दर्शन? पहली बार। अच्छा, श्रावण माह को लेकर कितना उत्साह रहता है भक्तों में? पूरा उत्साह। दर्शन करने के बाद जाएंगे श्रावण माह में? वो गुजरात में जाएगा फिर। गुजरात सोमनाथ। अच्छा, आप कहाँ से भैया? सुहाग की नगरी, फिरोजाबाद से। चूड़ियों की नगरी। हाँ बिल्कुल। तो पहली बार दर्शन कर रहे हैं कि इससे पहले भी कर? नहीं, एक दो बार और आ चुके हैं। मंदिर परिसर की तैयारियों को लेकर क्या करें? पहले से बहुत बेहतर है। ये ऊपर जो छत वगैरह लग गई है, इससे बहुत लोगों को राहत है और काफ़ी तैयारी अच्छी लग रही है। आप क्या कहेंगे भैया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। जी। बम बम बोले, क्या कहेंगे? हम लोग अच्छा बोलेंगे। हम लोग दार्जिलिंग से आए हैं। अच्छा। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से आए हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल। बाबा का दर्शन को लेकर बहुत खुशी है। देख सकते हैं कि श्रद्धालु उत्साह के साथ अभी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में 22 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण माह को लेकर भी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये शंकराचौर से चौक से अंदर जाने वाला मार्ग है जहां पर श्रद्धालु यहां से जाते हुए, और सावन माह के दौरान भी एक अनुमान जताया गया है कि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर परिसर पहुंचेंगे और उनका भव्य तरीके से मंदिर में स्वागत भी किया जाएगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना तकरीबन 5 लाख शिव भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सावन माह की बात कर ली जाए तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन इस मंदिर परिसर में होता है। इस बार भी 22 जुलाई से सावन माह प्रारंभ हो रहा है और इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से भव्य तैयारियां की गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ इस बार विशेष तैयारी है सावन माह में? श्रावण मास में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला दिन भी श्रावण का सोमवार है, अंतिम दिन भी सोमवार है। सोमवार ही श्रावण का मुख्य पर्व होता है, तो यह आशा है कि पिछले वर्षों में होने वाली संख्या के दृष्टिगत 2022 में जैसे 4 सोमवार थे तब उस समय 1 करोड़ 1 लाख लोगों से अधिक लोगों ने यहाँ दर्शन किए थे। वर्ष 2023 में 8 सोमवार थे तो उसमें 1 करोड़ 63 लाख लोगों से अधिक लोगों ने दर्शन किया था। इस वर्ष भी 5 सोमवार हैं और विशेषता यह है कि पहला और अंतिम दिन सोमवार है, तो यह मानकर चल रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ लोग 1 माह के भीतर यहाँ पर आएंगे। तो 1.5 करोड़ के आसपास आंकड़ा मतलब हुआ 4 से 5 लाख व्यक्ति प्रतिदिन रहेगा, और बाकी जो सोमवार का दिन होता है उसमें 7-8 लाख 10 लाख तक संख्या पहुंच जाती है। तो इसके लिए जो विशेष प्रबंध किए गए हैं कि यहां पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं रहेगी दर्शन की, सभी लोगों को एक समान व्यवस्था में लाया जाएगा जिससे सभी को हम विशेष व्यवस्था दे सकें। किसी कुछ विशेष लोगों को केवल अधिक व्यवस्था देने का प्रयास नहीं किया जाएगा, और बाकी सभी लोगों के लिए यहां पर जो अंदर लॉकर है और ये सब सुविधाएँ नहीं रहेंगी। मोबाइल, घड़ी, पेन, लॉकर ये सब लेकर अंदर नहीं आना है। अंदर जो है जल पेयजल की व्यवस्था, घोल पिलाने की व्यवस्था, शीतल हवा की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। जिगजैग की संख्या इस बार बढ़ा ली गई जिससे अधिक से अधिक लोगों को अंदर एकोमोडेट किया सके, उन्हें बाहर लाइनों में न लगना पड़े। सर, प्रोटोकॉल दर्शन की बात कर लें या कुछ ऐसी पाबंदियां भी हैं वो भी लागू की गई? मैंने बताया कि विशेष दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी इस बार जी। इसके अलावा अगर इस पूरे मंदिर परिसर की बात करें सर, किन मार्गों से, कितने मार्गों से, 4 या 5 कितने मार्गों से प्रवेश?
कुल 5 मार्ग यहाँ पर हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। वो ढूंढी राजी के पास से है, सलको गली 2 के पास से है, चौरमर गेट के पास से है, गंगा द्वार की तरफ से है, सरस्वती द्वार की तरफ से है। तो हमारे यहाँ जो गंगा द्वार है उसमें जो जलस्तर बढ़ रहा है, कल हम लोग उसने निरीक्षण किया था सायंकाल और अभी दोपहर में फिर किया था, उससे लग रहा है कि वह संभवतः प्रभावी रह पाएगा नहीं रह पाएगा, उसको लेकर कन्फ्यूजन है। तो हम दोनों तरह से अपनी तैयारी करके चल रहे हैं। प्रमुख तिथियों पर जब भी श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ धाम में आगमन होता है, भव्य रूप में उनका स्वागत किया जाता है, रेड कार्पेट बिछाए जाते। इस बार भी कुछ सर तैयारियां हैं, अगर बात कर लें सावन माह में तो श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर प्रत्येक वर्ष जो व्यवस्था रहती है वह रहेगी रहेगी, उसको और भव्य और उच्चतर किया जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार काशी विश्वनाथ धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.